नमस्कार, मैं हूं सत्यम कुमार। आप देख रहे हैं हमारे साथ पीटी न्यूज द विजुआ की दास्ता। तो आइए रुख करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। नक्कीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न। एक पक्ष के दो लोगों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। 1 एकड़ 56 डिसमिसल जमीन को लेकर कोढ़ा क्षेत्र के नक्कीपुर गाँव में दो पक्षों में जमकर विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद में गोली भी चलाई गई, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 2 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बाकी लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज व उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना के बारे में घायल भीखन महतो का कहना है कि गांव के ही पूजन कुमार के साथ जमीन के लेकर विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में भी चल रहा है। शुक्रवार को वे लोग दर्जनों की संख्या में जमीन विवाद को लेकर मारपीट करना शुरू कर दिए, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें भीखन महतो और मिथिलेश महतो का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सुरेश महतो, विनोद महतो व किशोर महतो का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। कटिहार सदर से रितेश कुमार राय की खास खबर। हम लोग आए कोर्ट में, आए उधर मालूम हुआ कि वो लोग जो है हमारा जमीन जबरदस्त जोत के मकई रोप दिया। तो हम लोग थाना फोन किए, पहले से मामला चल रहा। हम लोग थाना एसपी साहब को तब जाकर तुरंत हम लोग वकील साहब से लाइन लिखवा करके एसपी साहब को दिए कि सर देखिए हम लोग यहाँ आए हैं और लोग वहाँ जबरन फिर जोत रहा। तब जा करके जो है सर एसपी साहब फोन किए थाना, बड़ा बाबू शायद छुट्टी में है कि क्या पता नहीं, तो कोलासी थाना को भेजे। कोलासी थाना गए, वहाँ पर कोलासी थाना वालों को समझा बुझा कर हटा दिया, बोला अभी से कोई कुछ नहीं करेगा। हम लोग भी यहाँ जब मतलब पता चला कि टाइम पिटीशन पड़ गया, फिर से 21 या 22 तारीख का टाइम पड़ा है, उस दिन आना है। तो हम लोग भी यहाँ चले गए, गए तब तक में वहाँ थाना थे। तो हम लोग वहाँ बोला कि कोई नहीं जाएगा प्लॉट पर, सबको समझा बुझा दिए हैं, दोबारा नहीं जाना कोई। हम लोग ठीक है, हम लोग अपना फुफा का घर है उस जगह हम लोग खड़ा है, वो लोग फिर दोबारा आ गया रोकने के लिए। तो हम लोग यहाँ से गए तो वो लोग लाठी तलवार और अथी लेकर के था, छलट्टा लेकर था, उसका वीडियो भी हमारे पास। तो वही हमारा भाई को कपाड़ काट दिया, हमारा एक तो सुशील चचा है उनको भी कपाड़ काट दिया, हमारा चचेरा भाई है विनोद कुमार उसको भी कपाड़ काटा है, और हमारा चचेरा भाई को हाथ काटा है, हमको गोली मारा है। कुल कितना आदमी था वो लोग? वो लोग मोटामोटी 15 आदमी था। क्या क्या हथियार था उसके पास? उसके पास थ्रीनट था, 18 इंची वाला हमला किया है जी, थ्रीनट से और तलवार से। कौन कौन गंभीर रूप से घायल है? हमारा मिथिलेश भाई, मिथिलेश कुमार, क्या उनको कपाड़ काट दिया तलवार से, और हमारा सुशील चा पूरा गंभीर है, और विनोद है गंभीर, और किशुन कुमार है गंभीर। इस बात की जानकारी आपको पहले से नहीं थी? जी, पहले से जानकारी कहा था जो हम लोग को मरवे करेगा, हम तो सोचे थाना वहाँ को जाकर समझा दिया है वो लोग को, अब नहीं आएगा दोबारा। कब की घटना है? ये 1 घंटा की। कहाँ की घटना? नक्कीपुर पंचायत दक्षिणी सिमरिया। क्या नाम है आपका? भिखन माथो। आपके कहाँ गोली लगी? हाथ में लगा है। उसकी पुष्टि हम चला रहा था, गोली तो सूख निकल गया।